केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपनी कुल देवी अहवा देवी के मंदिर में आ रहे हैं। आपको बता दें ये लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है। ये धूमल परिवार ठाकुर परिवार की कुल देवी हैं और हर बड़े मौके पर वो यहाँ पर आते हैं, चाहे चुनाव से पहले नामांकन भरने से पहले आशीर्वाद लेना हो, सांसद बनने के बाद आना हो, मंत्री बनने के बाद एक तरह से आभार प्रकट करने वो हमेशा आते हैं, क्योंकि ये उनकी कुल देवी का मंदिर है। काफ़ी ऊंची चोटी के ऊपर ये मंदिर बसा हुआ है, एक बहुत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना पड़ता है। पिंडी स्वरूप में माँ के यहाँ दर्शन हैं और नव दुर्गा भी यहाँ स्थापित हैं। तो ये अहवा देवी का मंदिर है जिन्हें जलपा माता कहा जाता है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहुँचे हैं कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आभार व्यक्त करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए। आपको बता दें इस मंदिर का जीर्णोद्धार तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने 2011 में करवाया था। 505 साल पुराना मंदिर है और इसी मंदिर के दूसरी ओर एक जगह से पिंडी स्वरूप में ये माँ उत्पन्न हुई थी, प्रकट हुई थी, जिसके बाद उन्हें इस चोटी पर स्थापित किया गया। ये पहाड़ की एक ऊंची चोटी जिस पर माँ अहवा देवी पिंडी रूप में विराजमान है और आप तस्वीरें देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अब मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, उनके साथ हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी दिखाई दे रहे हैं। जोरदार स्वागत यहां के स्थानीय लोगों ने किया है। समीरपुर ये उनका पैतृक निवास स्थान है, पूरा परिवार उनका यहीं रहता है और यहीं पर मौजूद है अहवा देवी का मंदिर, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अब पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अपनी कुलदेवी के मंदिर पहुँचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यात्रा के पाँचवें और अंतिम दिन। और लगभग 630 किलोमीटर की इस यात्रा में 500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय हो चुका है अब तक और अब वो यहाँ पर पहुँचे हैं हमीरपुर अपने गृह क्षेत्र में। आमतौर पर जिसकी शुरुआत होती है, आमतौर पर नेता अपने गृह क्षेत्र से शुरुआत करते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर अपने गृह क्षेत्र से, अपने संसदीय क्षेत्र से इस यात्रा का समापन करेंगे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MHON प्राइम, हमीरपुर।